दुनिया के लोगों
इतने महान जो भी रब न याद करते सन भगवान याद करते सन भगवान दर्शन देने पड़ते एक बार 72 बार दर्शन हुए रब के भगवान कहते काफी समा बीत गया बाबा नामदेव जी दर्शन ना हो बेनतियां जोतड़िया करते हैं मेरे भगवान मेरे परमेश्वर मेरे तो की गलती हुई है अगे याद करता सी दर्शन हो जाते सन हूं काफी समा बीत गया है मैनु दर्शन नहीं हो रहे मन बड़ा व्याकुल है बराग दे विच है कृपा कर दर्शन दे उस बराग दे विच बाबा नामदेव जी दिल रे मंदिर विच बैठ के उस भगवान नूं उहदी उस्तुति करके आरती करके याद करदा है हर सर खेल तेरे दिल रे आए भी तेरे द्वारे ते मंदिर ते मैं आया हसदा खेलता मैनू दर्शन दे मैं उदास ना जावां हसदा खेल तेरे द्वारे आया भगत भगत नामा पकड़ उठाया कहते उस टाइम के जो पुजारी सन पंडित लोग उन्होंने ईरखा की इतनी ईरखा की बाहों फड़ के बाहर कट दिता मंदिर तो निहरे पर बाबा नामदेव जी इतने व्याकुल सन उस भगवान के दर्शन करने वास्ते कहते दिल दे ते पिछले पासे बैठ के उस नूं याद कर रहे हैं उसकी आरती कर रहे हैं बाबा नामदेव जी रब नूं कह रहे हैं हिंदली जात मेरी जात बनाया जे तू मैनूं एक मनुष्य जन्म दिता है मैं शहीदा तारणी नूं दर्शन दिंदा हिंदली जात मेरी जात बनाया छीपे के जन्म काहे को आया मैनूं छीपियां दे घर क्यों जन्म दिता जे तू दर्शन ही नहीं देना कहते जो नेहरू तो गांव फड़ के बाहर कटिया गया आपकी उपर रही सी कंबली को फट के नेहरू के मंदिर के पिछले पास बैठ गए लह लाही चलो पड़ताए नेहरे पास बैठा गया कहते इतनी मगन अवस्था में बयार में याद कर रहे सन उन्हें उस्तुत कर रहे सन कहते जिवें जिवें नामा भगत जी नामदेव जी उसनों याद करते हैं उसका नाम जप के उसके गुणों की उस्तुति कर रहे हैं ज्यो ज्यो नामा हर गुण उच्च है जिवें जिवें भगवान को याद करता भगवान भगवान का सिंघासन दौड़े फिर कोई मैनू याद कर रहा भगत जी ने कहते सामने देख मैं आ गया दस दिन की चाहिए कहते मैं कुछ नहीं चाहिए तेरे दर्शन चाहिए ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे भगत जनां का निमर रखते जिवें जिवें भगवान की उस्तुत कर रहे हैं भगवान ने की किया कि उस मंदिर का दिहरे का मूह भगत वाल कर दिता उदास होने की लोड़ नहीं पै मेरे दर्शन सर जो भगवान भगत जी याद करी जा रहे हैं याद करी जा रहे हैं वार वार कह रहे हैं महाराज मैं तेरे दर्शन तो बगैर रह नहीं सकता जब याद करा मैं दर्शन दे दिया करो कहते भगत जी एक ही गल की है मैंने याद किया तू अपने जवान तो कह जे कह दे धरती उपर कर दे आकाश थले कर दे कह दा धर्म का पौटी करो ता बाबा रामदेव जी देखो कितने भगतां दी अवस्था होंदी कहिंदे महाराज इस धरती
सो बाबा नानक जी इहो भगवान याद कर रहे हैं, दर्शन करके इतने निहाल होए, आपे तो बाहर हो गए, खुशी में जो हो रहे हैं। उन्होंने अपना पावन पवित्र शब्द गाया, हले यारा खुशखबरी, हले यारा भगवान क्या कि तेरे दर्शन करके मेरे मन में इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सो क्यों बाबा रामदेव जी ने भगवान की उसत की, आओ आपा उसत कर ली। हले यारा हले यारा खुश thank you।
Yeah.
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ।
सब संतों को हुक्म है गुरु मानो या फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने मानना कहते हैं गुरु ग्रंथ जी मानो पर गुरु के गुना की दे जिस तरह दसा गुरुआ ने तुम शरीर करके सेवा की इस तरह सेवा करनी है गुरनाथ का गुरु जान करके वो किने की धनता बाबा नाथ सिंह जी मान उच्चो वाले बाबा महा हरनाम सिंह जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने विराजमान रखते सन प्रेमियों बेनती की महाराज आप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप विराजमान ही रखते हो प्रकाश क्यों नहीं करवाते तो बाबा महा हरनाम सिंह जी ने जवाब दिता वो प्रेमियों इन्हां दी सेवा करने वाला दुनिया नूं दसण वाला मैं तैयार कर लिया वो शाला सी बाबा नाथ सिंह जी वाला कहिंदे ऐसा तैयार करो जिहड़ा दुनिया नूं दसूंगे प्रभु नूं गुणा की दे किवें बनेंगे किवें गुरु नानक दा रूप जाप करके पूजना है कहिंदे जदों आपदे कोलों तोरिया वह जिहड़ी पीर विराजमान रखी सी सतगुरु सच्चे पातशाह का स्वरूप बाबा नाथ सिंह जी महाराज मिलता नाल हुक्म किया नंद सिंह इस गुरु नानक का रूप जान करके सेवा करनी वो स्वरूप का आकार भी वड्डा है वजन तकरीबन 50 किलो के करीब होगा चंदन की जिल्द है वो अज भी नाम साहब के हैगी है बाबा नाथ सिंह जी महाराज आप उस वीर की गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करते टाइम टाइम अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने थाल परोस के भोग भी लाना दुनिया के लोगों को दसिया कि इउं सेवा करेगी संगत विच धरता बाबा नाथ सिंह जी महाराज वचन कर रहे सन कि बई धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ लग जाओ उच्चा जन्म धारिया हो सदा हो जाए लेखा कोई नहीं पूछे संगत के बैठे प्रेमी का फुरना बन गया भी बाबा नाथ सिंह जी गुरु नानक का रूप आप हैं पर मेरे नाल उम्र के वड्डे हैं बाबा जी ने दुनिया तो पहले चले जाना मैं बाद में जाना ते मेरी मां भी पढ़ेंगे इतने आप क्या जानते अरे वो तो दुर्गा ही पढ़े हैं क्या आने उन्हें कहते हो पूरे दुनिया नाथ सिंह जी इतने भी खा जाए रब की सच्ची दरगाह जी खा जाए उस बाबा नाथ सिंह जी महाराज का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने सेवा किसने की धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज बाबा नाथ सिंह जी को कुछ प्रेमी कह लगे बाबा जी आपके वर्गा भी कोई बनाया कहते भले हो आपके वर्गा बनाया तो की बनाया कहते असं वो बना के जावे जो साडे वर्गे साइक ने बनाया साडे वर्गे साइक ने बनाया गुरु का होगा दे बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज 13 साल दिन रात एक करके इतना तेजीदार प्रचार किया कि एक एक दिन के 8-8 पिंडा च प्रोग्राम देने एक प्रोग्राम देना औखा होता है साढ़े उस्ताद जी दस्या करते सन कि सानू राजी जत्थे नूं भेजना भी आ पुराने पिंड च कीर्तन करो असीं आउणे नगरे कहिंदे असीं कीर्तन करना संगत ने इकट्ठी हो जाणा नगर च जो बाबा जी ने पहुंचना फिर अगर इशारा करना अगले पिंड जाओ एक एक दिन के 8-8 पिंड प्रोग्राम दिता बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज 13 साल 7.5 लाख बराबर उम्र छका के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ना है आपने नाल नहीं जुड़े धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ना है उन्होंने महान पुरशां ने बाबा नाथ सिंह जी महाराज की सेवा की बाबा राज सिंह जी ने यह 3 महापुरुष बाबा नाथ सिंह जी के पास 13 साल इकट्ठे रहे
संत बाबा भीम सिंह जी को जोड़ है, संत बाबा सुजान सिंह जी को लिया 13 साल की। इतना प्यार किसी का हो सकता है? फिर जिम्मे जिम्मे हुक्म होया उम्मीद कोई योग्यता आती है। संत बाबा सुजान सिंह जी ने आग्ञा मांगी, बाबा जी मेरे आग्ञा दो, मेरे पिता जी मेनू याद करते हैं, मेरा परिवार मेनु याद करता। बाबा नाथ सिंह जी कहते सुझा सादा वचन सुन ला, किसी के अगर कीर्तन नहीं करना। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अगर कीर्तन करना, उन्होंने खुश करना। जो आग्ञा लेके गए दिल्ली पहुंचे घर, तो सुजान सिंह जी के पिता कह लगे सुजान्या बाबा जी का की हुक्म है? कहते बाबा जी का हुक्म है किसी अगर कीर्तन नहीं करना। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अगर करना। सुजान सिंह के पिता ने को पता की जवाब दिता, वह सजा लिया किसी के घर बड़ा को कीर्तन सुन ला तेरे को बार आऊगा? कहते नहीं, मैं बाबा नाथ सिंह जी वाले का हुक्म है, बह गया। एक पहला दुनिया का संत ते रागी होया है जिदे घर हजार के हिसाब न दो कीर्तन सुन आते सन, झूमते सन। अज दिल्ली में उन्होंने दो स्थान बनाए हुए, उन्होंने होंजा की गल छो अज उन्होंने कैश से झूम रहे, क्योंकि बाबा नाथ सिंह जी वाला का वचन सुन। कोई प्रेमी गुरु नानक साहब की उस्तक कर रहा, नाल ही बरदाने की उस्तक कर रहा। जो बाबा नाथ सिंह जी महाराज जी ने सुन रहे सर, कह लगे प्रेमिया मरदाना लिखना मरदाना, कहते बाबा जी कर रहे कृपा। संत सुजान सिंह का इशारा करके कहते वहां बैठो, कहते उदो भी सारी उम्र नाल हूँ भी साढ़े नाले का समा गुजार रहा। सो कह का भाव है ये बख्शिया रूह जिमें हुक्म होता उमें तुरिया आदियां। धन धन बाबा राम सिंह जी महाराज ने देखो इस नगर के कितने वड्डे भाग हैं। इतने 20-25 साल के करीब रहे, बड़ी घोर तपस्या की। जे कोई मिलने वास्ते आता दुनियावी गल करता तो बाबा जी ने रोकना पड़िया, जब तक वो रब घर की गल करते जा सकता। जे तेन नहीं आनी बाणी जानता है क्या बोलता लगा, गुरु ग्रंथ साहब के कोल बैठ के बाणी का पाठ कर। जिन्होंने बाणी नहीं आनी उन्होंने कहना आ माड़ा लगा, मूल मंत्र का जाप कर, वैगुरु शब्द का जाप कर, मेरा टाइम का नाम कर। इतना नाम कर लिया, अज उन्होंने नाम का प्रताप है। गुरु जी ने निशानियां दसिया, ये निशानी साध की हो कही है जिन्हें सास करास ना विसरा, हर आत्मा मन मन धन से सही नाम का पूर्ण सोई संत। जिस जेड़ा भी वचन कर दिता वो पूरा हो। अज नगर के भी बाहर के भी बाबा जी को याद करके जो वचन करते रोन लग जाते हैं कि असी समा नहीं संभाल सकते, उन्होंने पछा ही नहीं सकते। सो इतनी कीर्तन की समाप्ति है साडे सत्कार योग संत जसविंदर सिंह जी वाले 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 पहुंच चुके हैं, वो भी कुछ समय नहीं निहाल करेंगे क्योंकि रात भी उन्होंने बड़ा सोहना समा मनिया, हम भी निहाल करेंगे 2-4 दिन इसी तरह आते रह के। सब संत को बेनती है वो तो भाई गुरु नानक के दरबार दाइया पढ़ो, लाभ लो, साल बाद आप लाभ मिलता है। सो बाणी पढ़द गुरु जी का जस करद हो हरेक प्रकार दुरुतियां रह गई हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी और संगत बख्शन जो सेवा करना बुलाओ बंदे।